कानूनी मकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू, गिरफ्तारियां अरूज पर, सहूलतकारों के खिलाफ भी एक्शन का फैसला, हजारों अफराद तूरखाम होल्डिंग सेंटर पर पहुंच गए, जिली इंतजामिया पुलिस और जेल हकाम को भी गिरफ्तारियों का इजाजतनामा मिल गया, वजारते दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया, इस्लामाबाद में गैर दस्तावेज क्याम पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ भी ईडी मुतहरिक, T3 अफराद थाने मुंतकिल, अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता मुजरमान को वापस नहीं बेचा जाएगा वजारत दाखिला, तमाम सूबों को नोटिफिकेशन अरसाल कर दिया गया, 1,04,481 अफगान जा चुके, पीके के मुख्तलिफ अजला में अब तक 51,044 गैर मुल्की बशिंदू की शिनाख्त, ऑपरेशन किसी कम्युनिटी नहीं गैर कानूनी मकीम अफराद के खिलाफ है, वफाकी सूबाई वजीर दाखिला, वफाकी सूबाई वजीर दाखिला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अफगान महाजरीन के हवाले से गलत फहमी पैदा हुई है, हमें चाहिए कि हम मीडिया के जरिए इस बात की वजाहत करें, कहा कि अफगान महाजरीन की बेशुमार कैटेगरीज हैं, अफगान पनागजीन के पास रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा, ऐसे महरूम तबका जिनमें अकलियत है जिन्हें अफगानिस्तान जाकर परेशानी या तशवीश का सामना करना पड़ सकता है उनसे हम नरम रवैया अख्तियार करेंगे, पनागजीन के पास कोई भी रजिस्ट्रेशन कार्ड या दस्तावेजात नहीं है, उन्हें हमने आराम से नरमी से कहा है कि वो वापस अपने मुल्क चले जाएं। मजीद कहा कि वजीर आजम और काबीना का फैसला था कि जो गैर मकीम अफराद है उनकी इज्जत, खवातीन और बच्चों का ख्याल रखा जाए।